स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में बताया था तो एड्रिनल ग्लैंड टू टाइप्स के होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता चुका है तो अब मैं आइए देखते हैं एड्रिनल मेडुला तो देखिए एड्रिनल मेडुला इज एक्चुअली A modified part of the sympathetic nervous system it consists of modified postganglionic sympathetic neuron unlike ordinary postganglionic sympathetic neuron those in the adrenal medulla do not exone okay modified postganglionic sympathetic neuron of the adrenal medulla secrete hormone directly in the blood रेदर दैन रिलीजिंग अरो ट्रांसमीटर ओके द सेल ऑफ एडिनल मेडुला सिक्रेट हारमोन द हारमोन प्रोड्यूसिंग सेल आर कार्ड क्रोमैफिन सेल ओके द टू मेजर हारमोन सिंथिसाइज बाई द एडिनल मेडोला कौन कौन से एपिनेफ्रीन नॉनफ्रीन ठीक है Bromephen cell of the adrenal medulla secrete an unequal amount of these hormones, about 80% epinephrine and 20% non nephrine. Okay? Now, Both epinephrine or nonnephrine are synthesized from amino acid, tyrosine, epinephrine, and non are collectively known as. माइन, कैटिकोलाइन माइन, ओके इन इमरजेंसी और स्टेड कंडीशन लाइक इंजर्सी पेन फियर, एक्सीडेंट एंड ग्रेफ यहाँ पे देखी ली इंपल्स फ्रॉम द हाइपोथेलमस स्टूमुलेट सिंपैथेटिक प्रोस्ट गंग्लियॉनिक निरान विच इन द टर्न stimulate the chromaffin cell to secrete epinephrine and norepinephrine during emergency or stress condition these two hormones greatly augment the fight fright fight flight response hence these are called emergency hormones or hormones of fight or flight इपिनेफ्रेन एंड नॉनफरेन इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द हार्ट विच इंक्रीज सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर दे आल्सो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दर्ट लीवर स्केलेटन मसल्स एंड डिपोजिश्यू अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बायो कैमिकल एंड फिजोलॉजिकल एक्शन ऑफ इपिनेफ्रेन इफिन के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शन है तो आइए देखते हैं बायोकेमिकल एक्शन क्या है सी एम पी सर सर्किल एम पी लेवल इन मसल्स क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं ठीक है यहाँ पे क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं ट्राई एसिल मोबिलाइजेशन इंक्रीज़ होता है, है ग्लूको जियोलाइसिस जो है एपिनेफ्रिन में जो बायोकेमिकल्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस e डिक्रीज होता है इसमें क्या होता है एपिनेफ्रिन में ग्लाइकोसिंथेसिस सिंथेसिस डिक्रीज़ होता है फिजोलॉजिकल एक्शन में आके देखते हैं ग्लूकोज रिलीज होता है फ्रॉम लीवर इंक्रीज ग्लूकोज यूज बाय मसल्स क्या होता है डिक्रीज होता है ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जो होता है इंक्रीज होता है तो मेरे चैनल को अगर आपको मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग